बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो चुकी है और कांग्रेस को एक और झटका लगा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हुई है। बागेश्वर में जीत का परचम लहराया, कमल खिला है। बागेश्वर में कांग्रेस के बसंत कुमार को पटकनी दी पार्वती दास ने। जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले हैं, बागेश्वर के मतदाताओं का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। पार्वती दास को जीत की बहुत बहुत बधाई, मुख्यमंत्री धामी ये कहते नजर आए हैं। और वाकई में एक बड़ी जीत बीजेपी की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में आम चुनाव है। उससे पहले एक अच्छे संकेत है कि बागेश्वर की जनता ने विश्वास जताया बीजेपी पर, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत राजनीतिक तौर पर दुखद खबर है। राजनीतिक तौर पर एक झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, नेताओं के लिए, जो लगातार कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनको सफलता हासिल होती बागेश्वर में कम से कम नजर नहीं आई। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राव शफात अली, क्या फैक्टर्स ऐसे रहे जो मतदाता बागेश्वर के बीजेपी पर ही भरोसा जताते नजर आए और कांग्रेस को यहां पर फिर से राजनीतिक तौर पर झटका महसूस हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत पर? कमल, देखिए बड़ी कामयाबी तो है भाजपा की और अंदाजा भी लोग लगा रहे थे कि भाजपा जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि एक सीट पर, क्योंकि चार बार पहले भी भाजपा इस पर अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। हालांकि टक्कर बहुत कड़ी थी कमल, बसंत कुमार टक्कर देते नजर आए। पहले राउंड में तो देखने को मिला कि बसंत कुमार आगे निकल गए थे कुछ वोटों से, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते रहे, 14 राउंड की गणना होनी थी तो इसको लेकर के जब नौवां राउंड आया तब तक भी कांग्रेस जन खुश थे कि बहुत कम वोटों से अभी आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 14 राउंड हुए तो 2700 वोटों से ज्यादा से पार्वती दास ने अपनी जीत को दर्ज कराया। अगर कैद की बात करें तो बहुत सारे, देखिए लोकल स्तर पर भी मुद्दे होते हैं। दूसरा ये कि लोगों को लगता है कि राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर यहाँ कांग्रेस को जिताया भी जाता है तो कोई इतना लाभ नहीं मिलने वाला है। और तीसरा फैक्ट इस पर भी बात कर सकते हैं कि पार्वती दास क्योंकि चंदन रामदास की पत्नी है, स्वर्गीय चंदन रामदास की एक अच्छी छवि मानी जाती थी, तो ये लाभ भी पार्वती दास को मिला है। तो तीनों, अगर कहा जाए कि तीनों लाभ पार्वती दास को मिले और यही जीत का कारण भी बने, लेकिन अंतर बहुत कम है। बहुत बड़ी टक्कर बसंत कुमार ने दी है, हालांकि 5 प्रत्याशी थे, कुछ प्रत्याशी तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, कुछ प्रत्याशी तो ऐसे थे जिनको सिर्फ 268 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो ये जो चुनाव है वाकई में एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच का माना जा रहा था और वो नजर भी आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास को बधाई दी है और बागेश्वर की जनता का धन्यवाद भी जताया है। एक सवाल है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा राव शफात अली, 2024 के इलेक्शन को देखते हुए ये नतीजा क्या महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, या फिर इसे कहेंगे कि हाँ पार्टी की सरकार राज्य में है तो मतदाताओं ने भरोसा बीजेपी पर इसलिए भी जताया होगा कि हाँ उन्हें आने वाले वक्त में हो सकता है फायदा मिले इस चीज का? कमल, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 20% फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं कमल और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में बड़ा क्षेत्र होता है, कई विधानसभाएं एक लोकसभा में पड़ती हैं, तो थोड़ा सा इससे जोड़ करके सिर्फ इतना देखा जा सकता है कि 20% का फर्क पड़ेगा कि हाँ आने वाले वक्त में यहाँ भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस तरह की चुनौती भाजपा को मिली है कमल, सही कह रहे हैं, ये भी देखना होगा कि भाजपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात भी बहुत बड़ी आपने कही है और बीजेपी के नेताओं को भी ये बात मालूम होगा कि आगे आने वाले वक्त में और मेहनत करनी होगी, बेशक ये जीत